कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर सख्त एक्शन। लाहौर में कई दुकानें सील, लाखों रुपए जुर्माना। मास्क ना पहनने पर शहरियों के खिलाफ मुकदमात होने लगे। ठोकर न्यास बेग में बस टर्मिनल सील। मुल्तान में 9 बसें तहवील में ले ली गईं। लाहौर के मजीद 27 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। सिंगल मेजॉरिटी पार्टी है जिसका आईनी जमहूरी और रिवायती हक बनता है तो पिछली दफा लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना, और वो अगर छोटा ओहदा है तो फिर क्यों उस पर इतनी हठधर्मी थी। ये नहीं होना चाहिए कि भाई एक तंजीम को आप दीवार से लगाएं या दो या तीन, इस वक्त तो दो हैं, किसी को दीवार से लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सेनेट का ओपोजिशन लीडर छोटा ओहदा है तो इतनी हठधर्मी क्यों। इलेक्टेड और सिलेक्टेड की बहस में सिलेक्टेड हुकूमत को तकवीत मिलेगी। किंग्स पार्टीज और इत्तेहाद कैसे टूटे, सब तारीख का हिस्सा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान के तंजियावा मौला बख्श चांडियो बोले, चोरी छुपे मुलाकातें और इत्तेहाद करने वाले हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। पंजाब में बिला मुकाबला कैसे आई, इसका जवाब दें। आप खामोश रहे तो हम बोलेंगे, शासिया मरी ने मरियम नवाज का लहजा काबिले अफसोस करार दे दिया। कौमी मफादात को बालाए ताक रखने वाली PDM अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है और मुल्क की किस्मत खोटी करने वाले साबिक हुक्मरान इबरत की तस्वीर बने हैं। बिलावल हुए आर, मरियम हो गई पार, और मौलाना खार आसिफ जरदारी ने जाली राजकुमारी को कहीं का नहीं छोड़ा। इल्जाम तराशी और झूठ की सियासत में चचा और कजन भी साथ नहीं। नून लीग से शीन लीग जन्म ले चुकी। फिरदौस आशिक अमान के मरियम नवाज पर वार। उज़्मा बुखारी ने रद्द अमल दिया कि फिरदौस आशिक पराई शादी में अब्दुल्ला दीवानी होकर फिर रही हैं। कोई पूछे बाजी आप कौन। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज की तबीयत नासाज, सियासी सरगर्मियां मनसूख कर दी। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि मरियम नवाज को तेज बुखार और गले में दर्द है। कोरोना टेस्ट मनफी आया, डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया। उधर PDM के सरबरा मौलाना फजल रहमान भी 2 रोज से बुखार में मुब्तला, सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर चुके। रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी ने सियासी पिंडाल सजा लिया। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। इंतजामिया ने जमात इस्लामी को जलसे की इजाजत न दी। कराची में भी जमात इस्लामी की जानिब से शहर के हुकूक के लिए आज रैली निकाली जाएगी। शारा फैसल के मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप्स लगा दिए गए। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान के रिटायरमेंट करीब, नए मेंबरान की तकर्री पर गौर शुरू। वजीर आजम को इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के रिटायरमेंट से मुतालिक ब्रीफिंग दे दी गई। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने सीनियर विफाकी वज़रा को मौजू नाम तलाश करने का टास्क सौंप दिया। काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जो चीज ज़्यादा लेनी होती है उसको कम की तरफ लाना पड़ता है, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। बाजी बजट क्या मुतासर होना है, यहाँ पे तो ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। अब आज जो है वो 10 रुपए की एक चीज़ लेने के लिए हम आते हैं तो वो पता चलता है वो 20 की हो गई है, 5 दिन के बाद वो 30 की हो जाती है। आम आदमी तो पिछता जा रहा है, किसी जगह पर किसी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। इतवार बाजारों में कीमतों की ऊंची उड़ान, शहरी दाम सुनकर परेशान, शिकवा करते नजर आए दुकानदार। सरकारी निर्ख नामों में हर चीज महंगी। लाहौर में ब्रॉयलर गोश्त 355 रुपए किलो में फरोख्त। सब्जियां, दालें और फल भी पहुंच से दूर। भिंडी 200, अदरक 300 और टींडे 192 रुपए फी किलो में बिकने लगे। हिंदू बिरादरी आज अपना मजहबी त्यौहार होली जोशो खरोश से मना रही है। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से हिंदू बिरादरी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ट्वीट करते हुए कहा कि हिंदू बिरादरी को रंगों भरा होली का त्यौहार मुबारक हो।
फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में रोनाल्डो के गोल पर तनाजा, सोशल मीडिया का मैदान गर्म। सर्बिया के खिलाफ मैच में रोनाल्डो का गोल अंपायर ने मुस्तरद किया तो फुटबॉलर गुस्से में ग्राउंड छोड़कर चले गए। जारहाना रद्द अमल पर अंपायर ने रोनाल्डो को येलो कार्ड दिखा दिया। एक शायक ने लिखा कि रोनाल्डो पहले खिलाड़ी हैं जिसे गोल करने पर येलो कार्ड दिया गया। और बहरीन में फॉर्मूला वन रेस के मुकाबले ड्राइवर्स का स्पीड और कंट्रोल का शानदार मुजाहिरा। बेल्जियम के मैक्स वेरस्टापेन ने पोल पोजीशन हासिल कर ली। बरतानवी ड्राइवर लेविस हैमिल्टन दूसरे नंबर पर रहे। एसओपीज पे विद फुल कमिटमेंट जो है वज़ीरे आला उस्मान बुज़दार की क्यादत में अमल दरामद को यकीनी बनाने जा रहा है। पंजाब के अंदर खसूसन जो पांच बड़े शहर हैं वहाँ कोरोना की लहर की शिद्दत ने अपनी तबाहकारियाँ जारी की हुई हैं और उनके वार जो कोरोना के हैं पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर मज़ीद 43 जो है वो कीमती जाने कोरोना निकल चुका है। और दो अहम शहर हमारे जो हैं जिसमें गुजरात और गुजरांवाला की जो सूरत हाल है वहाँ बेड की जो ऑक्सीजन बेड हैं उनकी जो ऑक्युपेंसी है वो ऑक्युपेंसी इस वक्त जो गुजरात के अंदर है वो 85% है और जो गुजरांवाला के अंदर है गुजरात में 98% है और गुजरांवाला में 85% है। इसको खोलो और उसको खोलो। और इसमें जो बेसिकली सबसे अहम तरीन चीज़ जिसकी तरफ इशारा करना ज़रूरी है कि जो हमारा ओवरऑल एक हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत का आपस में कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है उसको और ज़्यादा मौसर बनाने की ज़रूरत है। और आज के दिन जहां हमें तजदीद अहद करना है कि हम किस तरह इस मौजूदा कोरोना की शदीद लहर से नबर्द आज़मा हूँ वहाँ हमने क्या ऐसी तदाबीर अख्तियार करनी है जिसकी बुनियाद पे हम पंजाब के अंदर रहने वाले जो हैं उनकी जानों का तहफ्फुज़ करें।